ट्रांसपोर्ट नगर में वर्षों पूर्व बनाया गया पुल पूरी तरह से जर्जर होकर ढहने की कगार पर पहुंच चुका है। इस पुल से लगातार 24 घंटे भारी वाहनों की आवाजाही बनी रहती है। कोई हादसा हो इसके पूर्व तत्काल इसका संधारण किए जाने की जरूरत है। ट्रांसपोर्ट नगर हथखोज पुल अब पूरी तरह से जर्जर होकर ढहने की कगार पर पहुंच चुका है। इस पुल से लगातार ट्रांसपोर्ट नगर आने और ट्रांसपोर्ट नगर से जाने भारी वाहनों की आवाजाही बने रहती है। पुल का निर्माण वर्षों पूर्व कराया गया था। वर्तमान में पुल में अब बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। इसमें लगाई गई सरिया जगह जगह से निकल रही है। पुल के एक ओर नगर पालिक निगम भिलाई का क्षेत्र है तो वहीं दूसरी ओर नगर पालिका निगम भिलाई 3 चरोदा का क्षेत्र है। दोनों ही नगर निगम के प्रशासन द्वारा पुल के संधारण अथवा नए पुल के निर्माण को लेकर सालों से कोई पहल नहीं की गई, जिसका खामियाजा पुल से होकर गुजरते भारी वाहन चालकों के साथ साथ दूसरे अन्य छोटे वाहन चालकों को भी भुगतना पड़ रहा है। हथखोज पुलिया भिलाई नगर निगम क्षेत्र से कई ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ती है, जिसकी वजह से विभिन्न औद्योगिक संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों की आवाजाही भी हथखोज पुलिया से निरंतर बनी रहती है। यह पुलिया पूरी तरह से जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी है। पुल से भिलाई नगर निगम और चरोदा नगर निगम के अधिकारियों की आवाजाही भी बने रहती है, लेकिन दोनों ही नगर निगम के अधिकारियों द्वारा इसकी स्थिति देखकर भी अनदेखा किया जा रहा है। पुल से आवाजाही करना भारी वाहन चालकों के लिए खतरनाक साबित होने लगा है, लेकिन यही एकमात्र पुल है जो ट्रांसपोर्ट नगर को जोड़ता है। इससे वाहन चालकों की मजबूरी भी पुल से गुजरने को लेकर बने रहती है। ट्रांसपोर्ट नगर में सैकड़ों ट्रांसपोर्टरों के ट्रांसपोर्ट हैं। यहाँ विभिन्न प्रदेशों से भारी वाहन कई टन वजनी सामानों को लेकर पहुँचते हैं। इससे पुल ढहने का अंदेशा लगातार बने रहता है। सामाजिक कार्यकर्ता सुमन शील और स्थानीय रहवासियों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। लाइक का यह एक स्थल जहाँ पर की चार पहिए ट्रक एवं टेलर का आवागमन लगा रहता है, जहाँ की सड़क का उच्च स्तर की सड़क बनाने की आवश्यकता है, परंतु निम्न स्तर का सड़क बनाने के चलते जहाँ सड़कों की हालत सालों दिन सड़क बनने के उपरांत जर्जर अवस्था में है, वही एक मुख्य ट्रांसपोर्ट नगर की जाने वाली ट्रांसपोर्ट का जो पुल है उसका हालत आज इस तरह का है कि आज रात्रि के समय आए दिन यहाँ पे सड़क को जो टू व्हीलर वाहन है उसे कहीं ना कहीं दुर्घटना का शिकार होना पड़ रहा है। और आप खुद देख सकते हैं कि ये जो वाहन अभी जा रहा है इसका हालत आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से क्रैक है और कभी भी एक बड़ी दुर्घटना घट सकता है। परंतु इसके बावजूद जहाँ कि यहाँ पर लोगों का और कई हजारों वाहनों का प्रतिदिन आवागमन लगा रहता है, परंतु प्रशासन या तो कहे देखकर भी आँख मूंद कर बैठी हुई है, जिसके चलते आए दिन इस चौक पर जहाँ बड़ी बड़ी दुर्घटना हो रही है वही यही पुल के कारण भी लोगों को कई तरह की परेशानी से जूझना पड़ रहा है। जबकि यहाँ स्थल भिलाई नगर निगम और नगर भिलाई चरोदा नगर निगम दोनों के बीच स्तर है और हमारे मुख्यमंत्री जी का भी निवास स्थल यहाँ से मात्र केवल 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर निवास करते हैं, परंतु इस दुर्दशा के चलते आज इस तरह की समस्याओं से अगर जूझना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं यह सोचने का विषय है। इसलिए प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि समय रहते इस पुल का ध्यान दें और यथाशीघ्र इस पर कार्य करवाने का कार्य करवाएं। रेगुलर यहाँ से आना जाना होता है, मैं एक मजदूर हूँ और यहाँ पे हजारों लोग इस रोड से आना जाना करते हैं। जैसे ये पुल कई सालों से बना हुआ है, लगभग ये 50 साल हो चुका है पुल को बना हुआ, इनका एक्सपायरी डेट का समय है, उनके बावजूद भी ट्रांसपोर्टर इन पर रोड गाड़ी देकर रखो या रोड जाम कर रोज खड़ा करते हैं सर, और रोज एक्सीडेंट होता है। इसके लिए हमारा प्रशासन कार्रवाई करे और ये मृत्यु दर को कम करे। इस चौक पर इससे पहले भी कई मृत्यु हो चुका है और ये रोड निर्माण जब तक ठीक नहीं होगा या पुल की चौड़ीकरण नहीं होगा ये मृत्यु दर कम नहीं होगा यहाँ पर। और ये ट्रांसपोर्ट रोड को थोड़ा सा गाड़ी को लाइनअप करे और शाम के समय ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखे, प्रशासन से मेरा विनम्र निवेदन। यहाँ पर पुलिया में जो ट्रैक आया सीधा गाड़ी को लेन में रखा हुआ था तो उसने क्या किया, बगल में निकालने के चक्कर में स्पीड में सीधा पुल के नीचे गिर गया। और उनके बाद फिर एक गाड़ी और फिर रिवर्स करने के लगा, वो भी गाड़ी अंदर में घुस गई, महाराष्ट्र की गाड़ी थी वो। बहरहाल वर्षों पूर्व बनाए गए इस पुल के संधारण का कार्य
तत्काल शुरू किए जाने की जरूरत है, जिससे लोगों की जान माल सुरक्षित रहने के साथ सभी को सुविधाजनक और सुरक्षित आवागमन का लाभ मिल सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।